तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी खरीदारी। वट सावित्री पूजा के लिए हम लोग गए थे, चूड़ी और दान का सामान वगैरह जो होता है ना पूजा पाठ का, वो लेने के लिए गए थे हम मम्मी और लड्डू। तो ये हमारे गांव में एक छोटा सा दुकान है, उन्हीं के यहाँ गए थे, मार्केट नहीं जा पाए थे क्योंकि टाइम नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर से ही हम लोग, ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं था, सिर्फ चूड़ी वगैरह ही लेना था। और ये मैं पंखा लेके आई थी, पंखा पे कहते ना नाम लिखा जाता है, तो मैं बैठ के पंखे पे नाम लिख रही थी और मम्मी के पंखे पे भी मैं ही नाम लिख रही थी। उसके पास टाइम नहीं था, मैं लिखने बैठी तो बोली मेरा भी लिख दो। तो आज मैं पहली बार वट सावित्री पूजा का फास्टिंग उठा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं ये कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे याद भी नहीं था क्या कैसे करना है, भूल भी गई थी मैं। तो ये देखिए पंखे पे नाम तो मतलब नहीं लिखा रहा था, तो लास्ट में मैं कपड़ा से लेके और उसके बाद लिख रही थी, तो बहुत ही अच्छा से लिखा गया था उसे। तो मम्मी पापा का नाम लिखे थे, अभी चल रही है वट सावित्री पूजा की तैयारी। ये नाम लिखा गया है, ये मेरा और ये मम्मी का। तो आज है वट सावित्री पूजा और ये देखिए पूजा का थाली हम लोग का तैयार हो गया था, सारा फल वगैरह पूजा का सामान वगैरह रख लिए थे। सुबह के बज रहे थे 6 और हम लोग मंदिर के लिए बस निकल रहे थे, और मंदिर में ग्राउंड है वहाँ पे पूजा करना था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सुबह में जल्दी निकल। और अभी हमारा लड्डू भी जग गया था और ये देखिए वो जग के रो रहा था, तो पापा उसको आके ले जा रहे थे। और अभी तो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं रेडी हुई हूँ आज, काफ़ी दिनों के बाद मैं पहली बार आज ये साड़ी, बहुत दिन से मन था मेरा पहनने का। तो अभी हम लोग पूजा के लिए रेडी हो गए हैं वट सावित्री पूजा के लिए, और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से पूजा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग बहुत दूर आर के बैरक में जाएंगे, काफ़ी दूर है यहाँ से थोड़ा, तो इसलिए तो मम्मी भी रेडी हो रही है, मम्मी का वेट कर रहे हैं बस। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये बताना, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हूँ मैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमारे ब्लॉग पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो अभी निकल रहे थे हम लोग मंदिर के लिए और मम्मी भी तैयार हो चुकी थी, सबसे ज़्यादा लेट थोड़ा सा मम्मी में ही हो गया था घर में पूजा पाठ करने में ही, तो मम्मी भी रेडी हो चुकी थी और बस हम लोग सारा सामान पूजा का लेके और उसके बाद हम उतर रहे थे। यहाँ पे ना नीचे में मेरे यहाँ एक रेंटर रहती हैं बूंदी, तो वो भी जा रही थी, उनको भी करना था पूजा। और ये मैं आ गई थी मंदिर में, यहाँ पे ही हम लोग सावित्री पूजा करेंगे और इस मंदिर में कथा सुनेंगे। और ये मंदिर ना शंकर जी का मंदिर है, इस मंदिर का नाम आशुतोष मनोकामना मंदिर है। तो हम लोग के गांव से बाहर ये मंदिर पड़ता है थोड़ा, तो हम लोग को दूरी तो पड़ा लेकिन कोई बात नहीं, मतलब सारी औरतें ना यहीं पे आती हैं हमारे गांव की पूजा करने के लिए, तो वहीं पे हम लोग आए हुए थे। और मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, ये देखिए अंदर में शंकर जी को पूजा करने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा जितनी औरतें वहाँ पूजा कर ली थी ना बर के पेड़ के पास, वो लोग यहाँ पे मंदिर में आके पूजा कर रही थी सब। ये देखिए यहाँ पे पूजा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कितना भीड़ है, तो यहीं बरगद के पेड़ के पास ही पूजा हो रहा था, तो अभी हम लोग भी जाएंगे वहीं पे पूजा करेंगे। और दो पेड़ है यहाँ पे, दो जगह पे पूजा हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ही करेंगे क्योंकि एक जगह पे थोड़ा सा जगह कम है तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पे पूजा कर लेंगे। देखिए एक पेड़ ये है, यहाँ पे जगह बहुत कम था और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, इसलिए हम लोग दूसरे वाले पेड़ के पास अभी जा रहे थे वहाँ से निकल के।
और गोलू भी थी साथ में, नीचे वाली दीदी की बेटी भी थी साथ में। और ये देखिए यहाँ भी उतना ही भीड़ है, मतलब कहीं भी थोड़ा भी जगह खाली नहीं था। भीड़ तो इतना ज़्यादा कि लोग एक दूसरे पे करके पूजा कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगा आज पूजा करके, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं पहली बार गई थी पूजा करने के लिए ना, तो मतलब मुझे उतना पता नहीं था कच्चा धागा कैसे कितना बार बांधते हैं, क्या करते हैं। तो नीचे वाली दीदी थी वो सब कुछ बता रही थी हम लोगों को करने के लिए, और मैं कर रही थी। और इतनी सारी औरतें थी ना, और सब गर्मी के मारे बेहाल, पसीने पसीने एकदम, इतना ज़्यादा गर्मी की मत पूछिए। और सबका आज फास्टिंग है, तो इस फास्टिंग में तो जैसे हम, मुझे लगता था ना कि पूरे दिन फास्टिंग रखना होता है, लेकिन नहीं, पूजा करने के बाद फल वल खा सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का से मतलब खाना में मतलब आप खा सकते हैं, पूरे दिन भूखे नहीं रहना है। तो इसलिए अब यहाँ पे ना पूजा हम लोग का हो गया था, और मम्मी यहाँ पे सबका मांग भर रही थी। वो सिंदूर हम लोग के यहाँ लगाया जाता है बिहार में, तो हम लोग के यहाँ इस तरह से बिना सिंदूर लगाए कोई पूजा पूरा होता नहीं है, तो इसलिए मम्मी ये कर रही थी। और यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि पूजा होने के बाद ना पांच जगह से, मतलब पांच लोगों से खोइचा लिया जाता है आंचल में, और पांच लोगों को खोइचा दिया जाता है। तो खोइचा में कहता पांच लोग सिंदूर लगाएंगी और खोइचा देंगी, चावल चना उसमें फल होगा दो तरह तीन तरह का, तो इस तरह पांच तरह का खोइचा में होगा, वो पांच बार वो लोग देती हैं। अपने नाम है बरगद का पत्ता लगा रही थी बाल में, सब लोग लगाती है इसके पूजा करने के बाद, जो चढ़ाया जाता है ना उसी वही पत्ता को उठाकर और बाल में लगाया जाता है। हम लोगों की वट सावित्री की पूजा हो चुकी थी, और अभी हम लोग बस घर जा रहे थे। और वीडियो कैसी लगी हमारी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो अपलोड करें तब तक मिल सके। तब तक के लिए बाय।